everyone, welcome back. इस वीडियो में मैं बहुत ही सिंपल सी क्विक रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, बीटरूट पूरी की रेसिपी. ये थोड़ी सी मीठी लगती है और बाकी जो नॉर्मल पूरी होती है उससे कम ऑयली लगती है. चलिए पहले रेसिपी देखते हैं, फिर और बात करेंगे. बीटरूट पूरी बनाने के लिए मैंने एक बीटरूट को अच्छे से ग्रेट कर लिया है. अगर आप चाहें तो पहले बीटरूट को बॉईल करें, उसका स्किन निकाल दें और फिर उसे ग्रेट कर लें. और यहाँ पर मैंने एक बाउल गेहूं का आटा ले लिया है. अब हम इन दोनों चीज़ों को मिक्स कर लेंगे और थोड़ा सा इसमें अजवाइन और नमक डाल देंगे. चलिए अब हम आटा गूंदने का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं. क्योंकि बीटरूट भी थोड़ा पानी छोड़ता है तो हम बहुत थोड़े थोड़े क्वांटिटी में पानी डालकर इसको अच्छे से आटे को गूंद लेंगे, जिस तरह से हम नॉर्मल पूरियों के लिए आटा गूंदते हैं. अब हमारा आटा ऑलमोस्ट गूंद चुका है और इसको हम 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट करने देंगे. 10 से 15 मिनट बीत चुके हैं, अब हम इसमें थोड़ा सा ऑयल लगाकर इसको और एक बार गूंद लेंगे. अब हम पूरियां बेलने का स्टेप स्टार्ट करते हैं. तो थोड़ा सा डो लेकर हम इसको गोल शेप में बेल लेंगे, जैसे हम नॉर्मल पूरियां बनाते हैं. आई एम श्योर आप सभी को ये चीज़ें अच्छे से आती होंगी, पर जो व्यूअर्स फर्स्ट टाइम ये बनाने वाले हैं उनके लिए ये वीडियो डिटेल में बनाया है मैंने. मीनवाइल मैंने तेल रख दिया है कढ़ाई में गर्म होने के लिए. तेल एकदम अच्छे से गर्म हो चुका है और ये चेक करने के लिए मैंने उसमें थोड़ा सा डो डाल दिया और वो डो एकदम से तेल में ऊपर आ गया बहुत सारे बबल्स के साथ में. इसका मतलब तेल परफेक्ट है पूरियाँ तलने के लिए. मैं यहाँ पे दो पूरियों को एक साथ तल रही हूँ और पूरियाँ तलते वक्त आप उनको अच्छे से दबा दबा के प्रेस करके तेल में फ्राई करते जाइए और वो जैसे ही बबल्स छोड़ना उनका कम हो जाता है तो ये एक इंडिकेशन है कि पूरियाँ अच्छे से पक चुकी हैं और अब हम इनको तेल में से निकाल सकते हैं. तड़ा बीटरूट पूरियाँ रेडी हैं. ये थोड़ी सी मीठी लगती हैं, काफ़ी क्रिस्पी बनती हैं और जो नॉर्मल पूरी होती है उससे कम ऑयली लगती है, तो खाने में बड़ी मज़ेदार होती है. अगर आप इसको और क्रिस्पी बनाना चाहते हैं या फिर इसका न्यूट्रिशन वैल्यू और बढ़ाना चाहते हैं तो आटा गूंदने से पहले आप उस आटे में थोड़ा सा घी डाल सकते हैं. तो ये सिंपल सी रेसिपी थी बीटरूट पूरी की. आप इसको कोई भी ग्रेवी वाली सब्जी के साथ दे सकते हैं बच्चे को, जैसे कि आलू मटर की ग्रेवी वाली सब्जी हो गई या फिर पंपकिन की सब्जी हो गई. जिस तरह से हमें खाने में वैरायटी पसंद होती है उसी तरह बच्चों को भी ऐसा कुछ नया इंटरेस्टिंग सा खाने मिल जाए तो उन्हें बड़ा मजा आता है, स्पेशली जो यंगर किड्स होते हैं. अब ये डीप फ्राइड है और थोड़ा सा हैवी हो जाता है तो आप इसको या तो ब्रेकफास्ट में दीजिए या फिर लंच में दीजिए, ताकि एक पूरा दिन का टाइम मिल जाए बच्चे को इसको डाइजेस्ट करने के लिए. और डीप फ्राइड है तो आप हर दूसरे तीसरे दिन नहीं इसको बना सकते हैं. मैं इसको डेढ़ से दो हफ्ते की गैप में बनाती हूँ और ये बहुत अच्छा तरीका है बच्चे को बीटरूट खिलाने का. इसके अलावा आप इडली में बीटरूट ग्रेट करके डाल सकते हैं, जो अलग अलग चीला हम बनाते हैं उसमें डाल सकते हैं, डोसे में बना के दे सकते हैं, या फिर आपने जो मेरी पिछला वीडियो देखा सौते वेजिटेबल का उसमें भी हम इसको एज अ स्टिक के शेप में काट के बॉइल करके सौते करके बच्चे को दे सकते हैं. सो या दैट वाज ऑल, छोटा सा वीडियो था. थैंक्स फॉर वॉचिंग मी. आई होप आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगा हो, अच्छा लगा हो. लगा है तो प्लीज लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी. टेक केयर, बाय.